Hello everyone, welcome again in this video, and today our topic is use of has and have. Dear all one, in our previous video we have studied the use of it, use of there and use of let's. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सभी इन तीनों यूजर्स को बहुत अच्छे से स्टडी कर लिए होंगे, इसका नोट्स बना लिए होंगे. डियर स्टूडेंट्स, मैं इसे फिर से वापस इसलिए फ्लैशबैक कर रहा हूँ क्योंकि आप यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स का उपयोग करते हुए, इन तीनों का यूज़ करते हुए आप बहुत ही अच्छे तरीके से अपने होम एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, ऑफिस एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं, अपने स्कूल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं, या आप जहाँ कहीं पर भी आप वर्क करते हैं, ठीक है, उन सभी प्लेसेस को आप यूज़ ऑफ इट, यूज़ ऑफ देयर एंड यूज़ ऑफ लेट्स के बिहाफ में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? सो लेट्स लुक एट द नेक्स्ट यूज ऑफ टुडे. आज का हमारा यूज है यूज ऑफ हैज या फिर हैव. ठीक है, आपने ये वर्ड बहुत ही कॉमन रूप में देखा होगा, हैज एंड हैव. कई बार स्टडी करते समय आपने इस वर्ड को आपने देखा होगा, हैज एंड हैव. डिड यू अंडरस्टैंड? ओके, इन जो वर्ड्स का जो यूज है वो आज हम बहुत ही सिस्टमैटिक और साइंटिफिक तरीके से समझेंगे, ओके, ताकि आपको किसी प्रकार से कोई कंफ्यूजन ना रह जाए. ठीक है, लुक इट, यूज ऑफ हैज एंड हैव. बेसिक मीन अगर मैं आपको इसका बता दूं तो हैज और हैव का जो प्रॉपर अर्थ होता है, पास में होना या रखना, पास में होना या रखना. डिड यू अंडरस्टैंड? लेट्स लुक एट द आइडेंटिफिकेशन. सो आइडेंटिफिकेशन, यहां पर हमारे पास फाइव डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन हैं, जिसमें से आपको मैं वन बाय वन सभी को समझाऊंगा. आपको ध्यान से सुनना है और इसे इंप्लीमेंट करते जाना है और सोचते भी जाना है, राइट? ओके, लुक एट फर्स्ट वन. यूज ऑफ हैज एंड हैव का जो पहला यूज है वो है एज अ पॉजेसिव वर्ड. एज अ पॉजेसिव वर्ड, पॉजेसिव वर्ड जो है एक पॉजेस वर्ड से बनता है, और पॉजेस का मतलब होता है धारण करना, पास में होना या रखना. अंडरस्टैंड? पॉजेस मीन्स धारण करना, पास में होना या फिर रखना. ओके, सो लुक इट, एज अ पॉजेसिव वर्ड हम कैसे इसका यूज करते हैं, तो ध्यान रखना, धारण करने या रखने वाले शब्द के रूप में हम हैज या हैव का यूज करते हैं. इसमें हम बहुत ही सिंपल मीन क्या निकालते हैं, पास में होना या रखना के अर्थ में. अंडरस्टैंड? जैसे अभी फिलहाल मेरे पास एक पेन है, ये पेन मेरे पास में है या मैं पेन रखा हूं, इन दोनों ही सेंस में मैं पेन को क्या कर रहा हूं, पोजेस कर रहा हूं. अंडरस्टैंड? ये पेन मेरे पास है इसलिए मैं पोजेस कर रहा हूं. अब यहां पर हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव का यूज कर सकते हैं. अंडरस्टैंड? ठीक है, जैसे मेरे पास एक पेन है, आई हैव अ पेन, आई हैव अ पेन. प्रोनाउंसिएशन सही करेंगे, हैव हैज, हैव हैज. आपको फुल माउथ स्कैटरिंग के साथ प्रोनाउंसिएशन करना है. अंडरस्टैंड? सो आई हैव अ पेन. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, सेकंड आइडेंटिफिकेशन, एज एन ईटिंग वर्ड. ध्यान रखेंगे, हैव, स्पेशली हैव का यूज हम ईटिंग वर्ड के रूप में भी करते हैं. ठीक है, ईटिंग वर्ड के रूप में कैसे, जैसे हम बोलते हैं ना, चलो लंच करते हैं, लेट्स ईट लंच या लेट्स टेक लंच, हम ऐसा बोलते हैं, लेट्स ईट लंच या लेट्स टेक लंच. तो ईट की जगह पर हम क्या यूज कर सकते हैं, हैव. अंडरस्टैंड? चलिए लंच करते हैं, तो हम यहां पर क्या देखे हैं, लेट्स का यूज देख रहे थे, चलिए लंच करते हैं, लेट्स हैव लंच, बन गया. नेक्स्ट, चलिए डिनर करते हैं, अब आप बोलिए चलिए डिनर करते हैं, तो शुरुआत चलिए शब्द से हो रही, तो हम यहां पर लेट्स का यूज कर जाएंगे. कम ऑन, चलिए डिनर करते हैं, लेट्स हैव डिनर. ओके, चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, लेट्स हैव ब्रेकफास्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो यहां पर हम क्या समझ पा रहे हैं, हैव का यूज हम ईटिंग वर्ड के रूप में भी कर रहे हैं यहां पर स्पोकन में. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, थर्ड वन, एज अ फन वर्ड. ठीक है, एज अ फन वर्ड भी हम हैव का यूज करते हैं किसी प्रोसेस को करने के रूप में. जैसे चलिए मस्ती करते हैं, चलिए इंजॉय करते हैं, तो क्या बोलेंगे, लेट्स हैव फन, लेट्स हैव फन. ओके, ठीक है, कई बार हम बोलते हैं चलिए पार्टी करते हैं, तो पार्टी करना भी क्या है, फन करना होता है. ठीक है, तो चलिए पार्टी करते हैं, तो लेट्स हैव पार्टी. ठीक है, चलिए पार्टी रखते हैं, पार्टी सेलिब्रेट करते हैं, पार्टी इंजॉय करते हैं, तो यहां पर आप क्या बोलेंगे, लेट्स हैव पार्टी. अंडरस्टैंड? नेक्स्ट, फोर्थ नंबर, एज एन अटेंशन गेटिंग वर्ड. हैज और हैव, बेसिकली हैव का यूज, बेसिकली हैव का यूज आप अटेंशन लेने या अटेंशन प्राप्त करने वाले वर्ड के रूप में भी हम यूज करते हैं. जैसे
चलिए इस पिक्चर को देखते हैं, ठीक है, या चलो इस पिक्चर को देखें, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस पिक्चर, ठीक है, चलिए इस फुटेज को देखते हैं, लेट्स हैव, या फिर चलिए इस फुटेज को देखिए, लेट्स हैव अ लुक ऑफ दिस फुटेज, ओके, चलिए भारत के नक्शे को देखिए, लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ, लेट्स हैव अ मैप ऑफ इंडिया, लेट्स हैव अ मैप ऑफ, लेट्स हैव अ लुक ऑफ मैप ऑफ इंडिया, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से चलिए इस पिक्चर को देखते हैं, चलिए इस वीडियो क्लिप को देखते हैं, चलिए इस मूवी को देखते हैं, लेट्स हैव अ क्लिप ऑफ दिस मूवी, लेट्स हैव अ क्लिप ऑफ दिस फुटेज, लेट्स हैव अ पिक्चर ऑफ दिस पोर्ट्रेट, ओके। नेक्स्ट फिफ्थ वन, एज अ हेल्पिंग वर्ब, ध्यान रखेंगे हैज और हैव का बेसिक और बहुत बड़ा यूज किस में होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में, कहां पर, इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जब हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की स्टडी करेंगे तब आप देखेंगे कि हैज और हैव का यूज फिर से हमारे पास आएगा, ओके डियर स्टूडेंट्स। सो चलिए फ्लैशबैक कर लेते हैं, व्हाट आर वी स्टडिंग राइट नाउ, अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ हैज एंड हैव, अंडरस्टैंड, व्हाट इज द मीन ऑफ हैज एंड हैव, हैज और हैव का मतलब क्या है, पास में होना या रखना, पास में होना या रखना, ओके। चलिए आइडेंटिफिकेशन की बात करिए, कितने आइडेंटिफिकेशन हैं, सो देयर आर फाइव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज एंड हैव, देयर आर फाइव डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन ऑफ हैज एंड हैव, सो लुक, लेट्स लुक एट द फर्स्ट वन इज एज अ पॉजिटिव वर्ड्स, लेट्स टॉक द सेकेंड वन, सेकेंड वन इज एज एन ईटिंग वर्ड, थर्ड वन, लेट्स टॉक अबाउट द थर्ड वन, थर्ड वन एज एज अ फन वर्ड, लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ वन, फोर्थ वन इज एज एन अटेंशन गेटिंग वर्ड, एंड लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, जो आखिरी होता है उसको हम लास्ट वन बोलेंगे, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट द लास्ट वन, एंड लास्ट वन एज अ हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ओके। सो दिस वॉज द आइडेंटिफिकेशन एंड मीनिंग ऑफ हैज एंड हैव, ओके। नाउ लेट्स हैव अ लुक ऑफ द टेक्स्ट, देखिए मैंने अभी यहां पर अपने स्पीकिंग में लेट्स का भी यूज किया और हैव का भी यूज किया, लेट्स हैव अ लुक ऑफ द टेक्स्चर, चलिए टेक्स्चर का हम एक लुक लेते हैं, ठीक है, टेक्स्चर को हम देखते हैं, तो टेक्स्चर में आप देखेंगे डियर स्टूडेंट्स, टेक्स्चर हैज और हैव का यूज हम किस तरीके से करेंगे, सो अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं, कौन सा सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ध्यान रखेंगे, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस फ्रेम कर रहे हैं तो सबसे पहले हमारा क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस Either we have to select has or have. या तो हमें has select करना है या फिर have select करना है, okay? Subject plus has slash have plus object plus other word. Understand? ओके okay. मैं यहाँ पर टेंस की बात नहीं कर रहा हूँ, टेंस की बात होगी तो यहाँ पर वी थ्री लगेगा हैज और हैव के बाद, हेल्पिंग वर्ब के बाद, मगर हम यहाँ पर अभी टेंस की बात नहीं कर रहे हैं, कॉमन रूप में हम हैज और हैव को कितने इजी वे पे हम यूज करते हैं और अपने स्पोकन में कर सकते हैं, ठीक है, ये हम जान रहे हैं, सो लेट्स लुक एट अगेन द फ्लैश बैक ऑफ टेक्स्चर, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड, अंडरस्टैंड, ओके। अब एक कंफ्यूजन है कि हैज सेलेक्ट करना है या हैव सेलेक्ट करना है, तो डियर स्टूडेंट्स यहां पर मैं आपको एक बहुत ही पिन पॉइंट नॉलेज देने वाला हूं, जब कभी भी आपके पास कोई हेल्पिंग वर्ब एक सेलेक्शन के रूप में आए, या तो आपको किसी एक को चुनाव करना है, ठीक है, जैसे आप इज एम आर कई बार आप स्टडी करते हैं तो आता है, तो आपको इज चुनना है कि आर चुनना है कि एम चुनना है, ठीक है, इसी तरीके से हैज चुनना है या हैव चुनना है, हमारे इस टेक्स्चर में हैज और हैव आया हुआ, तो आप हैज चुनना है या हैव चुनना है, ठीक है, हैज का सिलेक्शन करेंगे या हैव का सिलेक्शन करेंगे, तो ध्यान रखना जिस भी चीज का हमें सिलेक्शन करना होता है उस चीज को, उसके सिलेक्शन को डिसाइड करता है ठीक उसके पहले आने वाला वर्ड, तो इसके ठीक पहले आने वाला वर्ड कौन सा है, सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा कि हैज आएगा या फिर हैव आएगा, अंडरस्टैंड, ठीक है, हैज और हैव अपने से नहीं आ जाएंगे, हैज और हैव कौन डिसाइड करेगा, सब्जेक्ट डिसाइड करेगा, ठीक है, अब सब्जेक्ट डिसाइड कैसे करेगा, तो चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि सब्जेक्ट्स को अगर हम दो भागों में बांट दें, ठीक है, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, ओके, सिंगुलर सब्जेक्ट एंड प्लूरल सब्जेक्ट, तो डियर स्टूडेंट्स एज यू कैन सी देयर इज अ सीरीज ऑफ अ सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, ही सी इट एंड नेम ऑफ वन सिंगल पर्सन सिंगल प्लेस सिंगल थिंग्स, ओके, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम आपका सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान का नाम सिंगुलर सब्जेक्ट कहलाता है, इसलिए मैंने नेम लिखा है, यहाँ पर मैंने नेम्स लिखा है, तो डिफरेंस तो आपको पता चल गया, एक मतलब नेम और एक से अधिक मतलब नेम्स, राइट, ओके, सो ही मीन्स वह, सी मीन्स
गर्ल के लिए वह, इट मीन्स यह या वह, और नेम किसी का भी नाम। तो ध्यान रखेंगे जब कभी ही सी इट या किसी नेम के साथ हमें किसका यूज करना है, हैज का यूज करना है। अंडरस्टैंड, क्लियर हो गया? इस बात को बहुत ध्यान से आप इसको नोट डाउन करेंगे और अपने माइंड में हमेशा इसे कंटेन करके रखेंगे, राइट? ओके, हैज का यूज होगा ही सी इट या किसी एक नेम के साथ। नेक्स्ट, वहीं पर अगर हम बात करें तो ये जैसे सीरीज था सिंगुलर सब्जेक्ट का, जिसे हम कॉमन रूप में एस एस बोलते हैं, ध्यान रखना एस एस, क्या बोलेंगे हम? एस एस। तो एस एस की सीरीज क्या है आपकी? सिंगुलर सब्जेक्ट की सीरीज क्या है? ही सी इट एंड नेम। इसी तरीके से जब ये वाली सीरीज, इसको हम क्या बोलते हैं? सीरीज ऑफ प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट को हम क्या बोल सकते हैं? पी एस। अंडरस्टैंड? पी एस। सो लुक एट पी एस, पी एस में कौन कौन आएंगे? आई, वी, यू, दे एंड नेम्स। नेम्स मीन्स मोर देन वन नेम। अंडरस्टैंड? सो आई, वी, यू, दे के साथ आप किसका यूज करेंगे? हैव का यूज करेंगे। अब बात क्लियर हो गई? तो यदि अगर ही, सी, इट या नेम आएगा तो हैज, और आई, वी, यू, दे आएगा तो हैव का आप यहां पर यूज कर रहे होंगे। अंडरस्टैंड? चलिए अब मैं आपको कुछ मीनिंग्स बता देता हूँ इसी सब्जेक्ट्स के बिहाफ में, कि हम जो बोलेंगे उसको आपको किस तरीके से यूज में लेना है। अंडरस्टैंड? ओके, मेरे पास, मेरे पास मीन्स आई हैव, मेरे पास मीन्स आई हैव। ओके, वेल, हमारे पास वी हैव, तुम्हारे पास यू हैव, या आपके पास यू हैव, उनके पास दे हैव, इसी तरीके से उसके पास किसी बॉय के लिए उसके पास ही हैज, उसके पास किसी गर्ल के लिए सी हैज, इसी तरीके से इसमें या उसमें, यहां पर हम बोलेंगे इट हैज। अंडरस्टैंड? सो लेट्स अगेन फ्लैशबैक, एक बार फिर से कर लेते हैं। मेरे पास आई हैव, तुम्हारे पास यू हैव, हमारे पास वी हैव, उनके पास दे हैव, उसके पास ही हैज, उसके पास गर्ल के लिए सी हैज, और इसमें या उसमें इट हैज। डिड यू अंडरस्टैंड? नाउ लेट्स लुक एट वन इंस्टांस, एक हम यहाँ पर एग्जाम्पल देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। इंस्टांस, मेरे पास इंग्लिश की बुक है। चलिए इसे कैसे बोलेंगे? मेरे पास इंग्लिश की बुक है। आंसर, आई हैव इंग्लिश बुक। मेरे पास दो इंग्लिश की बुक है। आई हैव टू इंग्लिश बुक्स। आई हैव टू इंग्लिश बुक्स। मेरे पास कई इंग्लिश की बुक्स हैं। आई हैव मैनी English books. I have many English books. Understand? ठीक है, अब यहां पर मैंने बोला मेरे पास English की book है, अगर हम बोले हमारे पास English की book है, we have English book, तुम्हारे पास English की book है, you have English book, उनके पास एक English की book है, they have an English book, उनके पास, sorry, उसके पास एक English की book है, he has an English book। लड़की के लिए अगर सेंस में, गर्ल के सेंस में है, उसके पास एक इंग्लिश की बुक है, तो आप बोल सकते हैं सी हैज एन इंग्लिश बुक। अंडरस्टैंड? ओके, तो ये एग्जांपल था आपका। इसी तरीके से आप बहुत सारे एग्जांपल्स सेट कर सकते हैं, मेरे पास, उनके पास, तुम्हारे पास। डिड यू अंडरस्टैंड? अगर नेम में जाएंगे तो राम के पास, श्याम के पास, राहुल के पास। अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से हम बहुत सारे एग्जाम्पल्स पुट अप कर सकते हैं हैज और हैव के सेंस में। ओके डियर स्टूडेंट्स, ओके, अब मैं आपको ये जो इंस्टांसेस हैं, ये इंस्टांसेस आपको सिर्फ ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे, आपकी नॉलेज बढ़ा सकते हैं। क्या आपके ट्रांसलेशन में हेल्प करेंगे इंस्टांसेस, और आपकी नॉलेज की कमांड जो है उससे आपको और बेहतर कर सकते हैं, आप इंप्रूवमेंट ला सकते हैं अपने नॉलेज के कमांड में। ओके, बट अगर आप फ्लुएंसी की बात करें डियर स्टूडेंट्स, अगर आप स्पीकिंग की फ्लुएंसी की बात करें, तो कोई भी स्पीकर, ठीक है, इंस्टांसेस के बेस पे स्पीक नहीं करता, वो किसके बेस पे स्पीक करता है? विजन के बेस पे। तो ध्यान रखेंगे, आप जितनी भी वीडियोस इससे पहले आप देखे होंगे किसी भी अदर स्पोकन टीचर्स की, तो उसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो मिसिंग होती थी वो है विजन। डिड यू अंडरस्टैंड? और मैंने अपने हर वीडियो में आपको ये स्पेशल चीज अपने आपके सामने मैंने पुटअप की है, विजन को। अंडरस्टैंड? तो चलिए, विजन क्या होता है? विजन आपको एक फ्लुएंसी देता है, एक सीक्वेंस देता है, एक कंसिस्टेंसी देता है आपके माइंड में थॉट्स को आने के लिए। अंडरस्टैंड? जब आपके माइंड में बहुत सारे थॉट्स आते हैं और एक सीक्वेंस में, एक सिंपल और सिंगल यूज के सेंस में अगर थॉट्स आते हैं, लगातार यूज थॉट्स आते हैं, तो आप उसे क्या करते हैं? बहुत तेजी से अपने हिसाब से कन्वर्ट कर सकते हैं। इवन आप अगर चाहें तो यहां पर अपने थॉट्स को डायरेक्ट आप इंग्लिश में भी ओरिजन कर सकते हैं। तो जो हमें ये कहा जाता है ना कि आप डायरेक्ट इंग्लिश में सोचिए,
डायरेक्ट आप इंग्लिश में सोचिए तो आप डायरेक्ट इंग्लिश में बोलेंगे. वेल ऐसा पॉसिबल है, बट उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आपके सोचने का विजन, कि आप सोच किस तरीके से रहे हैं. आप इंग्लिश में बिल्कुल सोच सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास थोड़ा सा पहला क्या होना चाहिए, जो मैंने पूरे पहले ऊपर में बताया, नॉलेज होना चाहिए. साथ में आपके पास कुछ इंस्टांसेस आपको सॉल्व करने की टेक्निक अच्छे से होनी चाहिए. फिर उसके बाद आप विजन पे आइए. विजन अभी मैं आपको जो बताऊंगा उसके माध्यम से आप देखेंगे कि आप बहुत लगातार कंटिन्यू कंसिस्टेंसी के साथ आप इंग्लिश बोल रहे होंगे अभी ही. लुक एट फर्स्ट वन, विजन है हाउस होल्ड एक्सप्लेनेशन. आपके घर में जितने भी घर की चीजें हैं वो आपकी हैं, राइट? वो आपकी चीजें हैं, तो आप अपने घर की सारी चीजें अपने रूम में, जितने भी रूम्स हैं सभी में बहुत सारी चीजें रखी हुई हैं, तो आप उसको सब वन बाय वन एक्सप्लेन करते जाइए. एग्जाम्पल, आई हैव वन ब्यूटीफुल हाउस, आई हैव वन बिग गेट इन माई हाउस, आई हैव वन फैन इन द हॉल, आई हैव वन टेलीविजन सेट इन द हॉल, आई हैव अ सोफा सेट इन माई हॉल, एंड आई हैव सम पिक्चर्स इन माई हॉल, आई हैव वन अलमीरा इन माई हॉल, आई हैव वन बेड इन माई हॉल, आई हैव सम चेयर्स इन माई हॉल. ऐसा होगा आपके घर में. नेक्स्ट, जब आप बात करते हैं, लेट्स टॉक अबाउट द बेडरूम. इन माई बेडरूम आई हैव वन बेड, आई हैव वन अलमीरा, आई हैव सम बुक्स, आई हैव वन सेल्फ, आई हैव सम इक्विपमेंट्स. ओके, सो ये आपके किसकी बात हो गई, आपके घर के बेडरूम की. लेट्स टॉक अबाउट द किचन. इन माई किचन रूम आई हैव वन ओवन सेट, आई हैव सो मैनी यूटेंसिल्स, एंड आई हैव फ्रिज, आई हैव वाटर फिल्टर, एंड मैनी मोर थिंग्स आई हैव इन माई किचन रूम. आपके पास थॉट लगातार आया. कैसे थॉट आया? जब मैंने आपको बताया कि आप अपने घर की सारी चीजों को एक्सप्लेन कर सकते हैं हैज और हैव के यूज पे. जब आपने मेरे पास के सेंस का यूज किया तो आई हैव बोल रहे थे. अब वहीं पर बोले उसके पास एक अच्छा घर है, ही हैज अ ब्यूटीफुल हाउस, ही हैज अ वन बिग गेट इन हिज हाउस, ही हैज वन बिग हॉल, ओके, ही हैज वन टेलीविजन सेट इन हिज हॉल, ही हैज वन सोफा सेट इन हिज हॉल. अंडरस्टैंड? तो इस तरीके से उसके पास है तो ही हैज हो गया. तुम्हारे पास है के सेंस में यू हैव अ वन ब्यूटीफुल हाउस, यू हैव वन बिग हॉल इन योर हाउस, यू हैव टू टेलीविजन सेट इन योर हाउस, यू हैव वन कूलर, यू हैव थ्री फैंस, एंड यू हैव सो यू हैव वन कंप्यूटर सिस्टम, यू हैव वन लैपटॉप, यू हैव टू सेल फोन्स, यू हैव अ बाइक. बहुत सारी चीजें आप बोल सकते हैं. डिड यू अंडरस्टैंड? तो क्या हुआ, हाउस होल्ड्स की जितनी भी चीजें थी आपको उसने बिना रुके लगातार इंग्लिश में सोच पा रहे थे. ध्यान रखेंगे मैंने आपको सेंटेंस ट्रांसलेट और एक एक सेंटेंस लिखने के लिए नहीं बोला, मैंने विजन के सेंस पे बोला है. अंडरस्टैंड? लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी मटेरियल्स एक्सप्लेनेशन. आप स्टूडेंट होंगे और आपके पास डेफिनेट बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स होंगे. ध्यान रखेंगे स्टूडेंट्स, आपको स्टडी मटेरियल एक्सप्लेन करते समय एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है, और हर छोटी सी छोटी चीज को आपको हैव के सेंस पे, मेरे पास के सेंस के लिए आई हैव का सेंस यूज करते हुए सारी चीजें एक्सप्लेन करिए. ठीक है? जस्ट लाइक, हेलो एवरीवन, दिस इज अमित सोनी एंड आई एम अ स्टूडेंट. थिंक अबाउट, मैं एक एग्जांपल पुट अप कर रहा हूं. ठीक है? हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज अमित सोनी एंड आई एम अ स्टूडेंट ऑफ अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल इन 12th स्टैंडर्ड, एंड आई एम अ मैथ्स स्टूडेंट. ओके, एंड डियर ऑल वन, आई हैव सो मेनी स्टडी मटेरियल्स, आई हैव नंबर ऑफ बुक्स, आई हैव इंग्लिश बुक, आई हैव अ फिजिक्स बुक, आई हैव हिंदी बुक, आई हैव मैथ्स बुक, एंड आई हैव केमिस्ट्री बुक ऑल्सो. आई हैव नंबर ऑफ नोट्स ऑफ माई फिजिक्स, आई हैव नोट्स ऑफ माई मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, आई हैव अ गुड नोट्स ऑफ इंग्लिश सब्जेक्ट्स ऑल्सो, आई हैव नोट्स ऑफ द स्पोकन इंग्लिश itself, okay, and I have so many pens, I have a number of color pencils, I have a drawing seat, and I have my personal study table, I have my personal study room, okay. That's well. So ये जो explanation था, लगातार आपने क्या किया, study materials को आपने explain किया. Understand? आपको ध्यान रख, आपने एक चीज फील किया होगा, जो चीजें आप देख रहे हैं आप तुरंत उसको आई हैव के सेंस पे यूज कर जा रहे हैं, जो आपके पास में है. एग्जैक्टली. इवन अभी आप बैठे हुए हैं, आप मेरी वीडियो सुन रहे हैं, अभी आपके पास कुछ चीजें होंगी, आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं. अभी फिलहाल आपके पास सेलफोन भी होगा, तो आप क्या बोल सकते हैं, आई हैव अ सेलफोन, ओके, आई हैव गुड इंग्लिश टीचर, राइट, आई हैव वन फैन, आई हैव वन नोटबुक. ये सारी चीजें आपके पास में है. अभी आसपास आपने देखिए, आपके आसपास बहुत सारी चीजें हैं, वो आपकी ही हैं, तो आप उसको कैसे बोल सकते हैं, आई हैव, आई हैव, आई हैव. अंडरस्टैंड? ओके. नेक्स्ट, स्कूल एक्सप्लेनेशन. डियर स्टूडेंट्स, जो जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं उस स्कूल में बहुत सारी चीजें होंगी.
अब उन सारी चीजों को आप किस में यूज ऑफ हैज और हैव के सेंस में एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, आई हैव वेरी गुड स्कूल, माय स्कूल नेम इज अपेक्स इंटरनेशनल स्कूल, इन माय स्कूल, माय स्कूल हैज अ टू गेट, माय स्कूल हैज अ टेंपल, माय स्कूल हैज अ बिग प्लेग्राउंड, माय स्कूल हैज अ गुड बिल्डिंग, माय स्कूल हैज सो मेनी रूम्स. My school has, आपका स्कूल एक है, ठीक है, इस वजह से has लग रहा है, understand? My school has so many rooms, okay, and I have so many teachers in my school, I have so many friends in my school, okay, I have filter water facility in my school, I have so many transport facilities in my school, I have, my school has 3 buses, my school has 15 vehicles for the transportation, understand? सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन. आपको यहाँ पर सोचने की जरूरत नहीं पड़ रही, थॉट्स आपके माइंड पे लगातार आ रहे हैं और लगातार थॉट्स किसकी वजह से आ रहे हैं, क्योंकि हमने आपको क्या दिया, एक प्रॉपर विजन दिया. सो डिड यू अंडरस्टैंड, आप समझ पा रहे होंगे इस बात को कि इंग्लिश स्पीक करने के लिए इंस्टांसेस आर नॉट इनफ. ओके, एक्सप्लेनेशन इज नॉट इनफ, इनफ इज विजन. एंड अंटिल हैविंग अ प्रॉपर नॉलेज ऑफ एनी यूजेस, यू मे नॉट स्पीक विद द प्रॉपर फ्लुएंसी. Did you understand everyone? So, आपको यहाँ पर proper reason, जो भी मैं reason आपको बताऊंगा, उस reason को अच्छे से implement करना है. Okay, students? Now, let's have a flashback of the all today's learning. So, today, we discussed about the use of has and have. आज हमने पढ़ाई की has and have की, जिसका basic mean हम यहाँ पर समझ रहे हैं, past में होना या रखना. ठीक है? चलिए, मैं कुछ example आपको बोल रहा हूँ, आपको translate करना है. चलिए, dinner करते हैं. Translate करिए. चलिए, dinner करते हैं. Eating word के रूप में. चलिए, lunch करते हैं. चलिए ब्रेकफास्ट करते हैं, हो गया. चलिए मजे करते हैं, चलिए पार्टी करते हैं, हो गया. चलिए इस पिक्चर को देखते हैं, या चलिए इस पिक्चर को देखिए, चलिए इस मूवी क्लिप को देखिए, चलिए इस फुटेज को देखिए. अंडरस्टैंड? और हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ये आपका फ्लैशबैक हुआ. टैक्सचर जल्दी से बताइए, व्हाट इज द टैक्सचर? कम ऑन, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. हम यहाँ पर वर्ब क्यों यूज नहीं कर रहे हैं? क्योंकि ये टेंस में हम एक्सप्लेनेशन नहीं ले रहे हैं, हम यहाँ पर कैजुअल हैज एंड हैव का यूज सीख रहे हैं. अंडरस्टैंड? ओके, अगेन, सब्जेक्ट प्लस हैज स्लैश हैव प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड. अंडरस्टैंड? चलिए जल्दी से बताइए, सिंगुलर सब्जेक्ट की सीरीज, सिंगुलर सब्जेक्ट की सीरीज कौन कौन सी है? ही, सी, इट एंड नेम, जहां पर हम हैज का यूज करेंगे. प्लूरल सब्जेक्ट की सीरीज बताइए, आई, वी, यू, दे, और वहां पर, और मोर देन वन नेम्स, वहां पर हम हैव का यूज करेंगे. ये प्रॉपर मीनिंग्स आपको बिल्कुल पता होनी चाहिए. अंडरस्टैंड? और ये जो विजन है, आज का लास्ट जो पॉइंट है विजन, और इस विजन को आपको इन सारी चीजों को एक्सप्लेन करके अपने पेरेंट्स को सुनाना है. अंडरस्टैंड? आप अपने ऑफिस को, स्कूल को, स्टडी मटेरियल्स को, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ों को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, आप जिस शहर में रहते हैं वहाँ कितने विजिटिंग प्लेसेस हैं, आपका, आपके शहर में कितने विजिटिंग प्लेसेस हैं, आप उसको बता सकते हैं. आपके शहर में कितने टेम्पल्स हैं, आप उसको बता सकते हैं. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो डियर स्टूडेंट्स, दिस वॉज द टुडेज वीडियो, यूज ऑफ हैज एंड हैव. आई होप यू ऑल वुड हैव गॉट द ऑल पॉइंट्स ऑफ यूज ऑफ हैज एंड हैव. सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड स्टे ट्यून विद दिस video, okay, and this channel. So dear students, this is the corona time, and stay safe, stay in your home, and keep learning, keep practicing. We'll meet in the next video. Till then, thank you very much.